पन्नगे चे सुरिंद्रे चे कौशिके पाद संस्पृशी निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पंचासव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिनो। पांच आश्रमों की बात बताई गई है। जैन तत्व विद्या में जो नव तत्व बताए गए हैं उनमें एक है आश्रव। आश्रव के मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांच प्रकार होते हैं। और योग के फिर अनेक प्रकार हो जाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि भी आश्रव होते हैं। हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है, उसका कारण आश्रव है। कहा गया आश्रवो भव हेतु स्यात् कि भव यह जन्म परंपरा है, जन्म मरण की परंपरा है, उसका हेतु कारण आश्रव होता है। अगर आश्रव नहीं रहे जीव में तो फिर मुक्ति उसी जन्म के बाद प्राप्त हो जाती है। साधुओं के आश्रव का बहुत त्याग होता है। ठीक है, प्रमाद, कषाय आश्रव रहते हैं, योग आश्रव भी रहता है, कई आश्रव निरुद्ध हो जाते हैं। साधुओं का, महाव्रतों का जीवन पंच महाव्रतात्मक या चतुर्याम वाला जीवन, बात है गृहस्थों की। गृहस्थ कैसे आश्रवों से अपना बचाव करें, हम संक्षेप में व्यावहारिक रूप में देखें। हिंसा, झूठ, चोरी, ये तीनों भी आश्रव हैं। गृहस्थ हिंसा से कितना विरत हो जाए, हो सके, मृषावाद से कितना विरत हो सके, अदत्तादान से कितना विरत हो सके, इस पर ध्यान दिया जाए। मान लें पूर्णतया विरक्ति संभव नहीं भी हो तो हिंसा का संयम, हिंसा की जितनी विरति हो सके वो प्रयास गृहस्थ करे। झूठ बोलने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके वो बचने का प्रयास हो, झूठ का भी संयम हो, चोरी का भी परित्याग हो। तो हिंसा, झूठ और चोरी, यो आश्रवों के 20 प्रकार हैं। आश्रव के 20 प्रकारों में तीन ये हैं, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान। तो गृहस्थ जीवन में हिंसा, झूठ और चोरी, इनका संयमन, विरमण एक सीमा तक हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। कि जैन, नॉन जैन कोई भी हो, हिंसा, झूठ, चोरी छोड़ो, सबके लिए अच्छी बात है मोटा मोटी। जैन छोड़ें अच्छी बात है ही,
नौनजैन भी छोड़े और अनुव्रत आंदोलन क्या है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने यह अनुव्रत आंदोलन चलाया, उसमें नौनजैन कितने लोग संपृक्त हुए हैं, तो नौनजैन भी हिंसा झूठ चोरी छोड़े और कितने धर्म, अनेक धर्म दुनिया में हैं, कौन सा धर्म होगा जो यह सिद्धांत बताता है खूब चोरी करो, कौन सा धर्म कहता खूब झूठ बोलो जिंदगी में, यह कौन कहता होगा खूब दूसरों को मारो, यह कौन कहता होगा। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, अहिंसा सत्य अचौर्य। तो हिंसा से बचाव जितना हो सके, ठीक है, यों तो शरीर है जीवन है तो पूर्णतया हिंसा से बचना मान लें मुश्किल है, परंतु किसी प्राणी की शिकार करना, मारना, शिकार के द्वारा खरगोश को हिरण को मारना, इसका तो त्याग किया जा सकता है, यह हिंसा तो त्याग करें छोड़ें। अब जो आसानी से हिंसा का त्याग किया जा सकता है कि नॉन वेज नहीं खाऊंगा, यह तो कर सकते हैं, नॉन वेज भोजन नहीं करूंगा, इतना तो नहीं, इतना तो हिंसा से विरमण संभवतः काफ़ी आसानी से बहुतों के हो सकता होगा। मैं किसी का माल चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी का पैसा धोखे के द्वारा अपने पास नहीं रखूंगा, चोरी के रूप में नहीं रखूंगा, मैं कोई की दूसरे की अलमारी खोल करके कोई धन निकालने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं रास्ते में भी कोई चीज मिल जाए, सोने का सूत मिल गया, हीरा मिल गया, वो भी मैं अपना बना करके नहीं रखूंगा कि रास्ते में मिल गया उठा लो, उठा लो तो किस लिए उठा लो, कभी व्यवस्था वालों को बता दें भी कहीं मिला है किसी का हो तो आप देखो, मैं नहीं रखूंगा चोरी के रूप में। यों हिंसा झूठ, झूठ किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा, बहुत कठिन नहीं है, कभी कभी कठिन हो जाए तो हो जाए भी, मैं किसी पर झूठा आक्षेप, झूठा एलिगेशन, झूठा आरोप मैं नहीं लगाऊंगा, अपनी जबान से अपनी लेखनी से किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा। अब यह कितना आसानी से विरमण हो सकता है, तो ये आश्रव हैं, वे संसार में भ्रमण कराने वाले हैं, जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए आश्रव को जितना रोक सकें छोड़ सकें, हिंसा झूठ चोरी आदि से बच सकें, वो प्रयास गृहस्थों को भी रखना चाहिए, आत्मा का उन्नयन हो, आत्मा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, पूर्णतया मोक्ष तक नहीं जा सके, मान लो 100 मीटर भी ऊपर उठ गए हम कल्पना करें तो भी ठीक है, कभी 1000 मीटर, कभी 1,00,000, कहते कहते कभी मोक्ष तक आत्मा पहुंच सकती है। तो मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसमें मोक्ष की आराधना का प्रयास करें, वो मंगलकारी है, वो कल्याणकारी है, और इस मानव जीवन को प्राप्त करने की बड़ी सार्थकता यह है। एक बार अभी तो यह मानव जीवन मिला हुआ है, अभी तो मिला हुआ है, बाद में वापस कब किसको मिलेगा, किसी को जल्दी मिल जाए, किसी को मान लो नहीं मिले जल्दी, तो अभी तो मिला हुआ है, जो मिला हुआ है इसका हमें लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, गृहस्थ जीवन है,
और भी काम धंधे हैं, दुकान है, एक ऑफिस है, एक जॉब है, एक नौकरी है, एक और कोई काम है, परिवार है, समाज है, कई चीज़ें हो सकती हैं। इन कई चीज़ों के बीच रहते हुए भी आदमी कैसे अनासक्त रहे, धर्म की दृष्टि से जागरूक रहे। अब एक सामायिक जो जैन है, तेरापंथी हैं, थानकवासी हैं, तो सामायिक करने वाले लोग हैं, सामायिक जिनके परंपरा सम्मत है, तो एक सामायिक और फिर 50 वर्ष जीवन के आ गए हैं, अब तो शताब्दी मानो 50 आ गए, 100 माने 100 के हिसाब से आधी शताब्दी तो बीत ही गई, आगे की गति हो रही है। तो रोज एक सामायिक एवरेज में करने का लक्ष्य रखना चाहिए। सुबह सुबह की सामायिक हो जाए, 5-6-7 बजे जब उठने के बाद जैसे मौका हो, नाश्ता से पहले पहले एक सामायिक हो जाए, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह नाश्ते से पहले पहले सामायिक हो जाए, यह जीवन शैली का एक अंग बन जाए, भी मुझे सामायिक करनी है, तो कितना अच्छा एक क्रम बन जाए। ठीक है, बच्चे रोज नहीं कर सकें, 50 वर्ष आने के बाद तो काम धंधे तो हो सकते हैं, आगे धन दो, पाछे धन दो, धंधा माहे धन दो, धंधे हैं आज वो काम वो काम वो काम, परिवार के, समाज के, दुकान के, ऑफिस के, वो काम वो काम वो धंधा, आज वहाँ मीटिंग, वहाँ जाना, वहाँ करना, तो आगे धन दो, पाछे धन दो, धंधा माहे धन दो, एक धंधे के लिए गए, बीच में दूसरा और कोई काम आ गया, धंधा माहे धन दो, धंधा मांसु समय निकाले, वो साहिब को बंदो, इन धंधों में से भी समय निकाल ले। तो सुबह सुबह की सामायिक, कभी आज तो फ्लाइट है, जाना है, प्लेन का टाइम है, कि आज तो 8-7 बजे फ्लाइट है, तो सुबह और जल्दी सामायिक कर लो, 2 बजे कर लो, 1:30 बजे सामायिक कर सको तो कर लो, बाकी तो ठीक है, हो सके तो कर लो। तो एक सामायिक सुबह नाश्ते से पहले पहले का क्रम जम जाए, कभी कभार नहीं हुई तो एवरेज है, आगे पूर्ति कर दे, कभी 2 कर ले, पूर्ति हो जाए। तो यूं ये धर्म का संचय करना चाहिए। तो मानव जीवन मिला है, इसका लाभ उठाएं। तो एक निश्चित अपने समय की व्यवस्था हो जाए तो आदमी थोड़ा प्रयास करे तो सफलता मिल भी सकती है। एक सामायिक रोज अपनी हो जाए, यह एक सामायिक के रूप में फिर संचय होता रहे। बाकी जीवन में अपना हिंसा, झूठ, चोरी से दिन रात एक सीमा तक बचाव करने का प्रयास हो, थोड़ा ध्यान दे आदमी, भी जरूरी है क्या झूठ बोलना, अभी कोई जरूरी है क्या कि बोलना ही पड़ेगा, इतना तो मनोबल नहीं है कि नहीं बोलूं। तो मान लो मजबूरी आ गई, जरूरी कोई स्थिति आ गई, कभी थोड़ा कुछ बोलना पड़े, ताकि रोज बोलना जरूरी नहीं है, थोड़ा हिम्मत रखें कि झूठ तो नहीं बोलना, तो काफ़ी बचाव हो सकता है। वो लक्ष्य बन जाए, मुझे चोरी नहीं करना, चोरी का माल नहीं लेना, भी किसी दूसरे की चीज़ मैं उठा करके क्यों लूँ, दूसरे की आलमारी खोल करके मैं चीज़ क्यों निकालूँ। तो ये बहुत आसान चीज़ है, तो थोड़े धार्मिक लोग हैं, बहुत आसान है इस रूप में चोरी करने का त्याग, झूठ का एक सीमा तक त्याग, और हिंसा का भी, नॉन वेज है, प्राणी को मारना जैसे शिकार आदि के रूप में, और ये लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, जमीकंद, जिन इनसे जितना बचाव हो सके, ये अनंत काय हैं, अनंत जीव हैं, थोड़े से हिस्से में अनंत जीव, ऐसी चीज़ को नहीं खाएं, छोड़ दें। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दें,
तो भी लहसुन प्याज के बिना काम नहीं चलता है क्या? गाजर खाए बिना जीवन चलता नहीं है क्या? जीवन चल सकता है। तो इन अनंतकायिक चीज़ों से संभव हो सके तो बचने का, ये परिवार के सब लोग तो नहीं छोड़ सकते, तो आप तो छोड़ दो, परिवार में एक दो आदमी तो छोड़ दो कि हम तो नहीं खाएंगे, जहाँ तक संभव हो उसके भी हम तो नहीं खाना चाहते। तो जो कर सके वो करने का प्रयास करें, जो धर्म करेगा उसका विकास होगा, आत्मा का विकास होगा। तो हिंसा, झूठ, चोरी, ये तीन जो आश्रव हैं इनको काफ़ी या जितना संभव छोड़ दिया जाए, तो कोई भी आदमी हो, जैन अजैन, एक अच्छा आदमी, आत्मा अच्छी बनती है, एक सज्जन आदमी कुछ अंशों में वो बन सकता है, मन में शांति भी रह सकती है। तो ये धार्मिक चीज़ें हैं। अब नवकार मंत्र है, कि नवकार मंत्र का जप, भले 10 वर्ष का बच्चा भी है भी नवकार मंत्र का जप करो, 21 बार तो कम से कम नवकार मंत्र का नाश्ते से पहले पहले अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो जैन है बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, जैन, हम जैन हैं, जैन शासन के हम सदस्य हैं, अंग हैं, जुड़े हुए हैं। अनेक धर्म हैं दुनिया में, जैन धर्म भी धर्म है, जहाँ इतना त्याग, अहिंसा, समता, तपस्या, कितनी बातें हैं। तो जो नमोकार धार ओ जैन है, वो नवकार को धारण करने वाला, नवकार मंत्र कंठों में दिमाग में रहे, नवकार का उच्चारण करे। कोई कोई, मैं तो चलते चलते नवकार बोल लेता हूँ, कार में बैठे बैठे नवकार बोल लेता हूँ, वो बोल लो ठीक है, पर नियमित नवकार मंत्र तो कार में नहीं, एक जगह बैठकर, एक जगह स्थित होकर के जपो। क्यों? चलते फिरते फैलिया, वो एक्स्ट्रा भले मान लो, मूल मूल है, उत्तर उत्तर, तो मूल जो जप करना है, माला फेरना है, वो तो बढ़िया, तो चलते फिरते नहीं, एक जगह बैठ करके करें, हो सके तो कार में करें वो अलग है, एक जगह घर आदि में बैठ करके अपनी माला फेरे। तो इस रूप में अपना नियमित नवकार मंत्र का जप, के बाद में कार्य में करी वो और एक्स्ट्रा लाभ है, एक्स्ट्रा मान लें उसको। तो मनुष्य जीवन में धार्मिकता का आराधन हो, साधु साधियाँ जगह जगह जाते भी हैं, प्रवास भी करते हैं, रहते हैं, उनका व्याख्यान भी होता है जो देते हैं उनका, तो उनका संपर्क, उनकी संगति, संतों की वाणी कल्याणी सुनने का मौका मिले। गांव में, उपनगर में संत हैं, चारित्रात्माएँ हैं, बहुत अच्छा, उनका भी लाभ उठाएं, जितना वाणी सुन सकें, उपासना कर सकें, और जो गोचरी आदि का जो लाभ लिया जा सके, तो चारित्रात्माओं के प्रवास का भी जितना संभव हो यथोचित लाभ उठाने का प्रयास होना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। अब ये अनुव्रत है, प्रेक्षा ध्यान है, इधर जीवन विज्ञान है, ये भी लोक कल्याणकारी एक गतिविधियां हैं। प्रेक्षा ध्यान, हमारा मन एकाग्र बने, हम राग द्वेष मुक्त होकर जीने का अभ्यास करें। इधर जीवन विज्ञान जो शिक्षा जगत में, स्कूलों आदि में, कॉलेज विद्यालय आदि में, बच्चों में भी अच्छे संस्कार आए। हमारे यहाँ ज्ञानशाला चलती है, जगह जगह ज्ञानशालाएँ चलती हैं, हम उपनगरों में जाते हैं, वो ज्ञानशाला की प्रस्तुति प्राय लगभग या पूर्णतया नियमित सी है, ज्ञानशाला की प्रस्तुति। तो यानी जगह जगह ज्ञानशालाओं का उपक्रम है। फिर ज्ञानशालाओं में जो अपनी धार्मिक सेवा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं या प्रयास करते हैं, वो भी एक अच्छी सेवा की बात है। तो ये ज्ञानशाला भी एक संस्कार देने का, तत्वज्ञान आदि सिखाने का
एक अच्छा माध्यम बन सकती है ज्ञानशालाएं। तो बच्चे प्रस्तुतियां भी देते हैं अपनी, तो प्रस्तुतियों की भी तैयारी कितनी करानी पड़ती होगी। तो कुल मिलाकर मानव जीवन एक सुंदर उपवन सा बन जाए कि जहाँ आध्यात्मिकता की फसल, आध्यात्मिकता के फूल हों, आध्यात्मिकता के फल हों, तो हम हिंसा झूठ चोरी इनको, हम तो साधुओं को तो खैर महाव्रतों के रूप में, गृहस्थों को भी अनुव्रत के रूप में हिंसा झूठ चोरी का जितना संभव हो सके, एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो छोड़ने का, त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। जितने आश्रव कम सक्रिय हों उतना अच्छा है। तो हमारा मानव जीवन जो हमें यह उपलब्ध है, यह सार्थक बने, यह काम्य है। दानान सिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणायपुत्रे।